जिन नन्हे से कंधों पर स्कूल बैग के बोझ के जगह गैस सिलेंडर का बोझ हो और उस बोझ को संभालने के बाद क्रिकेट के मैदान पर आकर अपने सपनों का बोझ उठाना हो, ये शायद वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर जुनून होता है, जिनके अंदर ये यकीन होता है कि एक दिन वो इसी सपने को पूरा करके अपने कंधों पर अपनी क्रिकेट टीम का बोझ उठाएंगे। ये कहानी है जज्बे की, ये कहानी है हौसले की, ये कहानी है यकीन की और ये कहानी है रिंकू सिंह की। दिन था 12 अक्टूबर 1997 का, जब अलीगढ़ में एक छोटी सी गैस एजेंसी में काम करने वाले खान चंद्रा सिंह और वीना देवी के घर रिंकू सिंह नाम का एक हीरा ने जन्म लिया। अपने 5 भाई बहनों में रिंकू तीसरे नंबर पर थे। बचपन से ही क्रिकेट उन्हें अपनी तरफ खींचता था, लेकिन रिंकू के घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो क्रिकेट खेल के अपने सपने को पूरा कर सके। लेकिन जिनमें हिम्मत होती है ना, उनके सामने कोई भी मुश्किलें बड़ी नहीं होती है। जैसा कि हमारे देश में हर लड़का अपने क्रिकेट की शुरुआत टेनिस बॉल से करता है, ठीक उसी तरह रिंकू ने भी अपने क्रिकेट की शुरुआत अलीगढ़ की तंग गलियों से किया। गलियों में ही क्रिकेट खेलते हुए रिंकू ने टेनिस क्रिकेट में अपना नाम बना लिया। अक्सर अपने भाइयों के साथ वो बड़े बड़े टेनिस बॉल टूर्नामेंट खेलने जाते थे, जबकि उनके पिता इन चीज़ों के सख्त खिलाफ थे और क्रिकेट खेलने के लिए रिंकू को पीटते भी थे। वो चाहते थे रिंकू कुछ पैसे कमाए जिससे घर चलाने में आसानी हो, जिसके लिए पिता ने रिंकू की जॉब एक कोचिंग में स्वीपर के तौर पर लगा दिया। यानी जिन हाथों में बैट होना चाहिए था उसी हाथों में अब झाड़ू पोछा आ गया था। लेकिन रिंकू के हाथों में झाड़ू लगाना नहीं बल्कि बड़े बड़े ग्राउंड पर लंबे लंबे छक्के मारना लिखा था। इसी वजह से शायद रिंकू ने इस काम को करने से मना कर दिया। रिंकू ने यह तय कर लिया था कि कैसे भी करके उन्हें अब क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना है। क्रिकेट में करियर बनाने के लिए लेदर बॉल से खेलना जरूरी था। जिस हिसाब से रिंकू के घर की फाइनेंशियल कंडीशन थी, उस हिसाब से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना रिंकू के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। पर कहते हैं ना कि जहां चाह है वहां राह है। रिंकू ने अपनी गरीबी को क्रिकेट खेलने में कभी आड़े आने नहीं दिया और किसी प्राइवेट एकेडमी के बजाय गवर्नमेंट स्टेडियम में प्रोफेशनल क्रिकेट की ABCD सीखना शुरू कर दिया। रिंकू सिंह के टैलेंट पर कोच मसूद अमीनी की नज़र पड़ी। उन्होंने रिंकू को प्राइवेटली कोचिंग देना शुरू किया। कोच मसूद अमीनी रिंकू को बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए भेजते थे, जिससे रिंकू के खेल में निखार आए। हालांकि इन टूर्नामेंट में खेलने में बॉल फीस ली जाती थी, जिसे रिंकू अपने बड़े भाइयों से पैसे मांग कर देते थे। एक बार कानपुर में किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने जाना था। इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए 1000 रुपये की ज़रूरत थी। ऐसे में रिंकू की माँ ने उधार मांग कर बेटे को कानपुर खेलने के लिए भेजा। रिंकू की माँ और भाइयों ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, जबकि पिता को रिंकू का क्रिकेट खेलना फूटी आंख नहीं सुहाता था। पिता की सख्ती नरमी में तब तब्दील हुई जब एक बड़े टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज में जीती बाइक को रिंकू ने अपने पिता को गिफ्ट किया, ताकि उन्हें सिलेंडर की डिलीवरी में आसानी हो। 16 साल की उम्र तक रिंकू ने अंडर 16, अंडर 19 और लिस्टे में डेब्यू कर लिया था। इन सभी फॉर्मेट में रिंकू ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करके IPL की कई फ्रेंचाइजी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। साल 2017 में पहली बार किंग्स 11 पंजाब ने रिंकू को 10 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा। ये रकम उस वक्त रिंकू के लिए बहुत बड़ी थी। इन पैसों से रिंकू ने सबसे पहले अपने पिता के कर्ज को उतारा। वहीं 2018-19 का रणजी ट्रॉफी सीजन रिंकू के लिए दमदार रहा। इस पूरे सीजन में रिंकू ने 10 मैचेस में 953 रन बनाया। रिंकू की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब KKR ने 2018 में 80 लाख में उन्हें खरीदा। इतनी बड़ी रकम मिलना रिंकू और उनकी फैमिली के लिए सपनों के जैसा था। रिंकू ने IPL कॉन्ट्रैक्ट से मिले इस अमाउंट का इस्तेमाल अपने फैमिली के लिए अच्छा घर खरीदने में लगा दिया। जिस तरह कोई भी खेल खिलाड़ी के बिना अधूरा रहता है, ठीक उसी तरह खिलाड़ियों का करियर भी चोटों के बिना अधूरा रहता है। 2021 एक ऐसा साल था जो रिंकू के क्रिकेट करियर के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। IPL से जस्ट पहले ही फर्स्ट क्लास मैच के दौरान 2 रन लेने के चक्कर में रिंकू के घुटने में चोट लग गई, जिसकी वजह से रिंकू को 6 महीने क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। इस दौरान उन्हें IPL के फर्स्ट फेज से बाहर होना पड़ा। रिंकू और उनकी फैमिली के लिए ये एक दुख की घड़ी थी, क्योंकि रिंकू ही घर के सोल अर्निंग मेंबर थे। हालांकि KKR मैनेजमेंट ने इस दौरान उनकी काफ़ी मदद की। रिंकू के टैलेंट पर भरोसा जताते हुए अगले ही साल मिनी ऑक्शन में KKR ने उन्हें 55 लाख के अमाउंट पर दोबारा खरीद लिया। रिंकू की कहानी वाकई किसी फिल्म की कहानी जैसी है।
आईपीएल में एक ही ओवर में 5 छक्के मारकर इतिहास रचने वाले रिंकू सिंह को देखकर ऐसा लगता है कि भविष्य में ये एक छोटे कद का बड़ा खिलाड़ी बनेगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में रिंकू नीली जर्सी पहनकर ऐसे ही कई इनिंग्स खेलकर अपना और देश का नाम रोशन करें।